वंदनीय संत समाज, सत्संग में उपस्थित आत्मीय बंधुओं, ममतामय करुणामय वात्सल्यमयी माताओं, आज्ञा पालनार्थ थोड़ी सी बात प्रस्तुत है। एक शायरकार ने कहा है, जिंदगी भर गालिब एक ही गलती करता रहा, जिंदगी भर गालिब एक ही गलती करता रहा, धूल जमी थी चेहरे पर आईना पोछता रहा। लगभग हमारी जिंदगी की भी इतिहास कुछ ऐसे ही बयां करती है। हम सब जिंदगी भर वही गलती करते आते हैं, जिस गलती से हमें दुख होता है, पीड़ा मिलती है, कष्ट मिलते हैं। हम उन्हीं लोगों के साथ रिश्ते रखते हैं, उन्हीं समाजों के बीच रहते हैं और उसी संसार के बीच रहते हैं जहां से हमें हमेशा दुख के अलावा कभी सुख मिलता नहीं है। अपने आसपास देखें, हम जहां रहते हैं हमेशा हम उनके विचारों के, उनके व्यवहारों के, उनकी कथनी और रहनी से हमेशा हम उससे बोझिल रहते हैं, तनाव महसूस करते हैं, फिर भी हमें उन्हीं के साथ जीवन यापन करना होता है। एक पति पत्नी का ही जीवन देख लीजिए। शुरुआत में जब मिलते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, धीरे धीरे जब उनकी गलतियां, उनकी कमियां उनके सामने आती है तब उनसे सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन सबके बावजूद उन्हें जिंदगी भर उनके साथ निभाना पड़ता है। वैसे ही हम जिंदगी जीते हैं, लेकिन उसी समाज के साथ, उन्हीं लोगों के साथ हमें व्यवहार करना पड़ता है। तब हम क्या करें? अभी हम सब सुन रहे थे ना, हम अपने मन को बदलना सीखें, मन को परिवर्तित करना सीखें। किसी भी दुख से पार जाने का एक ही उपाय है, उससे पार जाने का एक ही उपाय है, बदलाव, परिवर्तन। मान लीजिए हम किसी चीज से दुख महसूस करते हैं, या अभी सुन रहे थे जैसे कि कोई सामान खराब हो जाए। हम जहां रहते हैं, जिस सामान को उपयोग करते हैं, जिन चीजों को उपयोग करते हैं, उनमें से कोई चीज खराब हो जाए तो हम क्या करते हैं? उसे बदल देते हैं और उसको बदल करके नया ले आते हैं, या फिर उसे बना लेते हैं या बनवा लेते हैं। वैसे ही हम जहां रह रहे हैं वहां से हम यदि पीड़ित हैं, दुखी हैं, तो हमें क्या करना होगा? हमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। और बदलाव दो ढंग के होते हैं, एक
हम उस चीज को या उन्हें बदल दें जिनसे हमें पीड़ा मिलती है। पहला क्या है? पहला है हम या तो उस चीज को या उन व्यक्तियों को बदल दें जिनसे हमें पीड़ा मिलती है। जैसे कोई सामान है वो हमें परेशान करता है, उससे हमारा काम नहीं बनता है, उसे हम बदल देते हैं। वैसे ही हम जहां रहते हैं उनके व्यवहार, उनके आचरण हमें पसंद नहीं है, तो हम अगर बदल सकते हैं तो उन्हें बदल दें। लेकिन कुछ परिस्थिति, कुछ मजबूरी, कुछ कारणवश हम उन्हें नहीं बदल सकते, तब दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय है अपने आप को बदलने। जिनके साथ हम रहते हैं उनके साथ हमारा व्यवहार अगर सही नहीं है तो हम उन्हें या तो बदल लें या तो अपने आप को बदल लें। और अक्सर होता यही है कि हम उन्हें तो नहीं बदल सकते, अपने आप को बदल सकते हैं। तो अपने आप को बदल सकते हैं तो उसकी शुरुआत आज से ही करें। हम अपने आप को बदलना शुरू करें, लेकिन कुछ परिस्थिति, कुछ मजबूरी, कुछ कारणवश हम उन्हें नहीं बदल सकते, तब दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय है अपने आप को बदलने। जिनके साथ हम रहते हैं उनके साथ हमारा व्यवहार अगर सही नहीं है तो हम उन्हें या तो बदल लें या तो अपने आप को बदल लें। और अक्सर होता यही है कि हम उन्हें तो नहीं बदल सकते, अपने आप को बदल सकते हैं। तो अपने आप को बदल सकते हैं तो उसकी शुरुआत आज से ही करें। हम अपने आप को बदलना शुरू करें। अब सवाल होता है कि हम अपने आप को बदले कैसे? क्या ऐसा परिवर्तन करें कि हम अपने आप को बदल पाएं? कपड़ा अगर खराब दिखता है तो हम इसे बदल करके अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं। कोई चीज खराब हो जाए तो उसे हम बदल करके नया कर लेते हैं। लेकिन यहां बात है दुख की, पीड़ा की, कष्ट की। और ये होता कहां से है? ये होता है हमारे मन से। कुछ लोग आप देखे होंगे, कुछ लोग होते हैं कपड़े का रंग देख करके ही परेशान हो जाते हैं। अरे ये कपड़े का रंग अच्छा नहीं है, इससे मुझे इरिटेट होता है, मुझे परेशानी होती है। वो हर 10 दिन 15 दिन में कपड़े बदलते रहते हैं, वे हर 10 दिन में कपड़े बदल देते हैं। लेकिन हम वैसा तो नहीं कर सकते, हमें क्या बदलना है? हमें बदलना है अपने मन को, अपने स्वभाव को बदलना है, अपने विचारों को बदलना है। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं बार बार यदि उनकी बातें हमें खटकती है तो हमें अपने आप को बदलना है। क्यों? क्योंकि सबके सब गलत नहीं हो सकते, सबके सब गलत नहीं हो सकते। जैसे हम किसी समाज में रह रहे हैं, वहां कोई बात हमें बार बार खटकती है तो हमेशा हम यह तो नहीं कर सकते कि हम वहां लीडर बन करके सब कुछ बदल दें, ये तो हम नहीं कर सकते। वहां आवश्यकता यह है कि हम अपने आप को बदल लें, अपने मन को बदलें, अपने स्वभावों को बदलें और अपनी रुचियों को बदलें। आज लगता है कि मुझे ये चीज अच्छा लग रहा है या मुझे समाज में ये चीज होना चाहिए, ये पसंद है, तो हम प्रयास करते हैं।
लेकिन हमारे प्रयास के बावजूद भी वो चीज नहीं होता है, तो हम अपने मन को बदलने का काम करें, उन चीजों में अपने आप को ढालने का काम करें। 10 लोग हैं और कोई एक आदमी ऐसा है जो बार बार उसे लगता है कि हमारे समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना नहीं होना चाहिए, ये लोग गलत हैं, ये है वो है बहुत कुछ। तो हमें क्या करना है, हमें वहां पर अपने आप को बदलना है, क्योंकि समाज के सब लोग गलत हो ऐसा नहीं हो सकता। गलतियां एक से होती है, इसलिए अपने आप को बदलें। और अपने आप को बदलने का मतलब है कि अपने विचारों को बदलें, अपने मन को बदलें। विचार मतलब जो आप सोचते हैं, जो आपके सोचने का तरीका है, जो आपके देखने का नजरिया है, उसको बदल दें। आप लोगों को देखते हैं तो आपके मन में क्या विचार आते हैं? किसी व्यक्ति को आप देखते हैं तो हमेशा आपके मन में उसकी निगेटिविटी आती है कि वो ऐसा है, उसके अंदर ये कमी है, उसके अंदर ये खामी है, ये हमेशा ऐसा गलत करता है, वो ऐसा गलत करता है। हम कभी उसके पॉजिटिव चीज को भी तो देखना शुरू करें, कभी उसके बारे में ये भी तो सोचना शुरू करें कि वो इंसान कैसे लोगों के साथ व्यवहार करता है, हमेशा मुस्कुराता है, कितना अच्छा हमेशा किसी के साथ बात करता है तो उसे खुश कर देता है, कोई काम करता है तो हमेशा मन लगाकर काम करता है। कभी हम उस चीज को नहीं लेते हैं, हम क्या करते हैं वो गलत, और जहां दूसरों के ऊपर उंगली उठाएंगे तो ध्यान दीजिएगा आपके तरफ भी कुछ उंगलियां होंगी ही होंगी। अगर हम दूसरे के तरफ एक उंगली उठाते हैं तो हमारे तरफ चार चार उंगली है। दूसरों को एक बार देखते हैं तो हम अपने तरफ चार बार देखें, क्या हम में वो गलती है, क्या हम में वो बुराई है। मैंने कहा ना, वो शेर कि जिंदगी भर हम वही गलती करते हैं, धूल जमी थी चेहरे पर और आईना पोछता रहा। हम दर्पण के सामने जाते हैं तो देखते हैं कि मेरा चेहरा गंदा दिख रहा है, कपड़ा लाते हैं, शीशा पोछते हैं, फिर जाते हैं, फिर भी गंदा। क्यों? क्योंकि हमारा चेहरा ही गंदा है, हमारा चरित्र ही गंदा है, तो हमारे जो समाज है वहां हमें हम खटक होती ही रहेगी। हम अपने आप को बदलना सीखें, अपने आप को परिवर्तन करना सीखें। और ये यही जगह है, ये परावर्तन स्थल कहा जाता है, परिवर्तन करने की जगह, बदलने की जगह। दुनिया के हर जगह पे आप जाकर दुनिया की हर चीजों को बदल सकते हैं। यदि आप अपने मन को बदलना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, यदि आप सुखमय और सुंदर जीवन जीना चाहते हैं, तो यहां आकर ही बदल सकते हैं। यहां आने का मतलब है अपने आप को अपने विचारों को देखने का तरीका पाकर। दुनिया के हर स्कूल कॉलेज में आपको पैसा कमाने का तरीका मिल सकता है, उसको निवेश करने का तरीका आपको मिल सकता है, लेकिन अपने जीवन को जीने का तरीका वो बहुत कम जगह पर मिलता है। अपनी जिंदगी को संवारने का तरीका आजकल आप देखे होंगे, अनेक ऐसे इंस्टीट्यूट भी खुल गए हैं जो आपको बोलने का भी तरीका सिखाते हैं, कैसे आपको बोलना है, कहां पर कैसे बात करना है, आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए आपका, दूसरों को देखने का नजरिया कैसे होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, हर एक मैनर्स सिखाते हैं वहां। लेकिन वहां भी आपको अपनी जिंदगी संवारने का तरीका वो नहीं मिलता। आपको बॉडी लैंग्वेज का तरीका मिल सकता है, बॉडी लैंग्वेज से आप दूसरों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, लेकिन
लेकिन आप अपने खुशहाल जिंदगी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, परमात्मा जिसे कहते हैं आप उसे अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको अपने हृदय आंगन को बुहारना पड़ेगा, उसको सफाई करना होगा, तभी हम सब खुशनुमा जिंदगी जी सकते हैं। तो कुछ बातें आप लोगों के बीच रखने का प्रयास किया, और अधिक कुछ न कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।